मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। रोहित शेट्टी बने 8 ब्लॉकबस्टर देने वाले पहले डायरेक्टर। फिल्म सिम्बा के साथ ही रोहित शेट्टी बॉलीवुड के पहले ऐसे डायरेक्टर बन गए हैं जिनकी बैक टू बैक 8 फिल्में भारत में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर गई हैं। रोहित शेट्टी की हालिया रिलीज फिल्म सिम्बा ने रिलीज के 5 दिनों में ही 124 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सिम्बा रोहित शेट्टी और एक्टर रणवीर सिंह की पहली फिल्म है। अपनी ज्यादातर फिल्मों में रोहित शेट्टी के हीरो अजय देवगन ही रहे हैं और सिम्बा में भी अजय देवगन की झलक दर्शकों को देखने को मिल रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि रोहित शेट्टी 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्में देने वाले निर्देशक बन गए हैं। रोहित शेट्टी की कई फिल्में सीरीज में आ रही हैं। उनकी पहली सबसे सुपरहिट सीरीज गोलमाल है जिसकी 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। ये चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं। वहीं रोहित शेट्टी ने सिंघम और सिंघम रिटर्न्स भी अजय देवगन को लेकर ही बनाई है जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है। इसके अलावा रोहित की 100 करोड़ के क्लब में शामिल फिल्मों में दिलवाले और चेन्नई एक्सप्रेस भी शामिल है। इन दोनों फिल्मों ने दुनिया भर में 400 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था। कोलंबो में हनीमून मना रही हैं दीपिका और रणवीर सिंह। हाल ही में बॉलीवुड स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हनीमून पर गए हैं। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये लोग गए कहाँ हैं। एयरपोर्ट में दोनों को साथ जाते देखा गया लेकिन ये नहीं पता चल सका कि ये लोग हनीमून के लिए कौन से डेस्टिनेशन पर गए हैं। सगाई और शादी की तरह ही दोनों का हनीमून भी सीक्रेट ही रहा, लेकिन अब पता चल गया है कि रणवीर और दीपिका हनीमून मनाने कहाँ गए हैं। इस बात का खुलासा किया है श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या ने। जी हाँ, ये स्टार कपल आजकल कोलंबो में है और हनीमून सेलिब्रेट करने के साथ साथ लोगों से मिल भी रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में जयसूर्या बीच में खड़े हैं और उनके दोनों ओर दीपिका और रणवीर हैं। शिवसेना के कहने पर बदली चीट इंडिया की रिलीज डेट। इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म की रिलीज डेट 1 हफ्ता पहले कर दी गई है। इसका कारण है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टारर ठाकरे। दरअसल शिवसेना के कहने पर चीट इंडिया के प्रोड्यूसर ने फिल्म की रिलीज डेट, शिवसेना चाहती है कि बाला साहब ठाकरे की बायोपिक को सोलो रिलीज मिले। वहीं दूसरी तरफ चीट इंडिया के प्रोड्यूसर भी इतने बड़े क्लैश का सामना करने से बचना चाहते हैं और ऐसे में वो इस फिल्म को 1 हफ्ते पहले यानी 18 जनवरी के दिन रिलीज करने जा रहे हैं। बात करें फिल्म की तो इमरान इस फिल्म में राकेश सिंह का किरदार निभा रहे हैं जो पैसे लेकर परीक्षाओं में अमीर स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए उनकी जगह होशियार स्टूडेंट्स को एग्जाम देने भेजता है। केजीएफ स्टार यश के घर इनकम टैक्स की रेड। हाल ही में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की कन्नड़ फिल्म केजीएफ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। हिंदी वर्जन का कलेक्शन भी उल्लेखनीय है। इस बीच यश को लेकर एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स के अफसरों ने एक्टर के घर पर छापा मारा है। यश के अलावा दूसरे सेलेब्स के घर पर भी रेड पड़ने की खबरें हैं। गुरुवार सुबह इनकम टैक्स के अफसरों की टीम ने सेलेब्स के घर रेड डाला। हालांकि अभी तक छापे पड़ने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। आईटी अधिकारियों ने केजीएफ स्टार यश के घर और ऑफिस में छापेमारी की। इन दिनों केजीएफ एक्टर यश फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन छापेमारी ने उनके जश्न को फीका कर दिया है। मूवी ने वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। सुजैन बच्चों संग मूवी डेट पर ऋतिक रोशन। एक्टर ऋतिक रोशन को एक्स वाइफ सुजैन खान और दोनों बेटों के साथ मुंबई के सिनेमा हॉल के बाहर स्पॉट किया गया। बच्चों के साथ सुजैन और ऋतिक ने मूवी देखी। एक्स कपल के बीच आज भी अच्छी दोस्ती बरकरार है। बच्चों की खातिर वो साथ घूमने फिरने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। हाल ही में वो बेटों के साथ लंदन में हॉलीडे बिताकर लौटे हैं। फोटो में ऋतिक रोशन कैजुअल लुक में नजर आए। वो ब्लैक टी शर्ट और ब्लू डेनिम में कूल लग रहे थे। वहीं सुजैन ब्लू डेनिम और ब्राउन कार्डिगन में दिखी। तलाक के बाद भी ऋतिक और सुजैन को स्पेशल ओकेजन और त्योहार के समय साथ देखा जाता है। मीडिया में दोनों के फिर से शादी करने की खबरें भी चलती रहती हैं। अजय देवगन ने तब्बू से कहा दे दे प्यार दे। लंबे समय बाद अब अजय देवगन एक बार फिर स्क्रीन पर रोमांटिक स्टाइल में दिखने वाले हैं। जी हां, निर्देशक लव रंजन की नई फिल्म दे दे प्यार दे में अजय देवगन तब्बू और रकुल प्रीत के साथ नजर आने वाले हैं और काफी रोमांटिक अंदाज में दिखेंगे। ऐसे में इन दिनों परिवार के साथ न्यू ईयर वेकेशन मना रहे अजय ने अपनी आने वाली इस फिल्म का पहला लुक शेयर किया है। इस लुक में अजय देवगन काफी इंटेंस अंदाज में दिख रहे हैं। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें तब्बू और एक्ट्रेस रकुल प्रीत नजर आएंगी। लव रंजन और टी सीरीज के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन अकिब अली कर रहे हैं। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होनी है। ऋतिक रोशन ने साइन की 2.0 के डायरेक्टर शंकर की फिल्म।
ऋतिक रोशन ने साउथ के सबसे सफल निर्देशक एस शंकर की अगली फिल्म साइन कर ली है। ऋतिक इन दिनों शंकर के साथ उनकी साइंस फिक्शन थ्रिलर को लेकर जी जान से तैयारी में जुटे हैं। शंकर और ऋतिक की जोड़ी अपनी साइंस फिक्शन थ्रिलर को लेकर बेहद एक्साइटेड है। वो फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक शंकर अपनी फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी बनाएंगे। इस फिल्म की कहानी को शंकर खुद लिख रहे हैं। फिल्म की कहानी ऋतिक रोशन को बेहद पसंद भी आई है। ऋतिक के अलावा शंकर अपनी इस फिल्म में बॉलीवुड के कई और कलाकारों को भी कास्ट करेंगे। फिल्म में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी कई चेहरे नजर आएंगे। ऋतिक के अलावा अब तक किसी और कलाकार को फाइनल नहीं किया गया है। कादर खान के बेटे ने गोविंदा को सुनाई खरी खरी। मशहूर एक्टर कादर खान को कनाडा के मिसिसुआगा में सुपुर्दे खाक किया गया। कादर खान के बेटे सरफराज फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बेहद निराश हैं। सरफराज ने इंडस्ट्री के लोगों को बेरहम बताया है। उनका मानना है कि कनाडा जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनके पिता को नजरअंदाज कर दिया था। कादर खान के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने उनके बेटे को कनाडा में फोन तक नहीं किया, जिसकी वजह से सरफराज आहत हैं। उन्होंने कहा, मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोगों के करीब थे, लेकिन वो बच्चन साहब को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब भी मैं पिताजी से पूछता था कि वो इंडस्ट्री से किसे सबसे ज्यादा मिस करते हैं, वो तुरंत बच्चन साहब का नाम लेते थे। ये प्यार दोनों की तरफ से था। बकौल सरफराज, मैं बच्चन साहब को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता आखिरी समय तक उनकी बात करते थे। कादर खान के निधन पर गोविंदा ने दुख जताते हुए कहा था कि वो उनके उस्ताद ही नहीं बल्कि पिता समान थे। इस पर सरफराज खान ने गोविंदा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा, कृपया गोविंदा से पूछे कि कितनी बार उन्होंने मेरे पिता की सेहत के बारे में पूछा था। क्या उन्होंने पिता के निधन के बाद एक भी बार हमें फोन करने की जहमत की, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में योगदान दिया हो। टॉप एक्टर्स को रिटायर्ड दिग्गजों के साथ तस्वीरों में देखा जाता है, लेकिन ये प्यार सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तापसी पन्नू ने छोड़ी अनुराग बासु की फिल्म। कुछ दिनों पहले ऐसी चर्चा थी कि डायरेक्टर अनुराग बासु अपनी 2007 की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल बनाने जा रहे हैं और इसमें वो राजकुमार राव, फातिमा सना शेख, आदित्य रॉय कपूर और अभिषेक बच्चन को कास्ट करने जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा था कि फिल्म में अनुराग आदित्य रॉय कपूर के अपोजिट तापसी पन्नू को कास्ट करने जा रहे हैं। हालांकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि तापसी अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए अनुराग से डेट्स की डिटेल मांगी थी, लेकिन अनुराग इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं बता सके। इसके बाद तापसी ने इस फिल्म से खुद को अलग कर लिया। बता दें कि तापसी पहले ही अपनी अगली फिल्म वुमनिया की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। चूंकि तापसी को डेट्स के बारे में कंफर्म जानकारी नहीं मिली, तो इसीलिए उन्होंने अनुराग के प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। आज आरडी वर्मन की पुण्यतिथि है। भारतीय सिनेमा में अंग्रेजी बीट्स का तड़का लगाने वाले महान संगीतकार आरडी बर्मन को कौन नहीं जानता। हिंदी फिल्मी गानों के हर शौकीन की फेवरेट सॉन्ग लिस्ट में आज भी आरडी बर्मन के कुछ गाने होते ही हैं। राहुल देव बर्मन ने आज ही के दिन साल 1994 में संसार को अलविदा कहा था। राहुल कोलकाता में जन्मे थे। कहा जाता है बचपन में जब ये रोते थे तो पंचम सुर की ध्वनि सुनाई देती थी, जिसके चलते इन्हें पंचम कहकर पुकारा गया। अभिनेता अशोक कुमार ने जब पंचम को छोटी उम्र में रोते हुए सुना तो कहा कि ये पंचम में रोता है, तब से उन्हें पंचम कहा जाने लगा। आरडी बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में की। शुरुआती दौर में वो अपने पिता के संगीत सहायक थे। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने आवाज का जादू भी बिखेरा। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई सफल संगीत दिए, जिसे बाकायदा फिल्मों में प्रयोग किया जाता था। संगीतकार के रूप में आरडी बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब थी, जबकि पहली सफल फिल्म तीसरी मंजिल थी। साल 1994 में भारतीय सिनेमा को अंग्रेजी बीट्स देने वाले इस महान संगीतकार का देहांत हो गया। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।